दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोप है कि जिस तरीके से दिल्ली वासियों को दिल्ली सरकार द्वारा पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है, तो उसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। योगेंद्र जी, दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली सरकार को कल मैंने बेनकाब कर दिया मूलक नहर पर जाकर। 1049 क्यूसेक मीटर पानी रोज आ रहा है। मैडम आतिशी दिल्ली की सड़कों पर आ नहीं रही। 4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि दिल्ली के सांसद लापता हैं। दिल्ली के सांसद लापता नहीं है, दिल्ली के सांसद जनता के बीच में हैं। अभी हमने केजरीवाल का पुतला फूंका है, ये सिंबॉलिक है कि आप पानी दीजिए। आतिशी मैडम, राजनीति मत कीजिए, और जहां मैं खड़ा हूं इसके ऊपर केवल एक स्लैब डल सकती है। यहाँ के जो MLA हैं, क्या नाम है MLA? अजेश यादव जी, उनको कहना चाहता हूँ इस पे सेल्फ डलवा दीजिए। कोई अगर मर गया तो अजेश यादव जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। बिल्कुल, छोटे छोटे मुद्दे हैं जो विधायक द्वारा नहीं पूरे किए गए। दिलीप पांडे विधायक है, उनका कहना है कि बीजेपी पानी के मुद्दे पर राजनीति करने के लिए उतर आई सड़कों पर। देखिए, दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़े तो राजनीतिक मुद्दा तुम करो। दिल्ली के 62 MLA हैं, 62 MLA अपने घर पर बैठ जाएं और चौपाल लगा लें, अपने अधिकारियों को बिठा लें कि पानी क्यों नहीं आ रहा। राजनीति छोड़ दूंगा, एक नहीं बैठ सकता, पलंग के नीचे दुबके हुए हैं। आतिशी मैडम मीडिया से बात करती है एयर कंडीशन कमरे के अंदर, जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बात करती है कमरे के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और यहाँ का लोकसभा का सांसद होने के नाते दिल्ली की सड़क पे हूँ, और मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे वीरेंद्र सचदेवा जी भी सड़कों पर हैं, 7 MP सड़कों पर हैं, हमारी पूरी पार्टी सड़क के ऊपर है। और जिस जगह टेबल मैंने लगाई है कि मैं जानबूझ के खड़ा हुआ हूँ, और अगर ये टूट भी जाए तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। हम इस केजरीवाल सरकार की और आतिशी मैडम के बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता। आतिशी जी को आप चैलेंज कर रहे हैं कि वो पानी के मुद्दे पर आके डिबेट कर ले? आतिशी जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, समय वो बता दे, स्थान वो बता दे, तारीख वो बता दे, जल बोर्ड के अधिकारियों को ले आए। योगेंद्र चंदोलिया अकेला आतिशी के हर बात की जवाब देने को तैयार है। बंद कमरे की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। पसीना बहाना पड़ेगा, पसीना मेरे कार्यकर्ताओं के पसीना आ रहा है। इनको पानी की इनको भी जरूरत है। इनकी लड़ाई जनता के बीच की लड़ाई है। बिल्कुल, ये जनता के बीच की लड़ाई है। और जिस तरीके से योगेंद्र चंदोलिया जी का कहना है कि मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आतिशी जी को कि वो पानी के मुद्दे पर आकर मुझसे बहस कर ले, आके इस मुद्दे पर क्षेत्र में जाकर देखें कि कहां कहां पानी आ रहा है। हरियाणा से पानी छोड़ा गया है, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा जनता को पानी नहीं दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अंशुमन यादव, TV9।